राम राम भैया राम। मार लो यार। भैया ननकिशोर चौहान से हो, राजपुर सस्ता आशा सस्ता राजपुर से आयल छो यार। भैया तुम्हारा नाम का ही छे? मारू नाम काशीराम आवासीय छे, ग्राम नरावला रहन, तहसील राजपुर, जिला बड़वानी। यार भैया तुम काई कर रहा है? हाँ, राइजो बीएमसी चना को बीज को उपचार कर रहो। यार भैया तुम राइजो बीएम से चना को बीज को उपचार क्यों कर रहा है? एकासी यूरिया खाद कम लगे और पौधा आसानी से वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर ले। यार भैया जो तुम राइजो बीएम से मतलब चना बीज को उपचार कर रहा है, एक हम काई के सामग्री लगे? 1 किलो चना को बीज, 1 प्लास्टिक थैली, आवश्यकता अनुसार पानी, राइजो बीएम लगे एक हम तो 1 टोपली। यार भैया तुम जो राइजो बीएम से चना को बीज को उपचार कर रहा है, एक काम काई के सावधानी रखनी पड़े। एक ही साथ में रासायनिक दवा नहीं मिलाऊँ, उपचारित बीज को भंडारण नहीं करना चाहिए, एक आधा घंटा बाद तुरंत बोई देना चाहिए, एक धूप में नहीं सुखानू। यार भैया जो तुम राइजो बीएम से केना तरीका से चना को बीज को उपचार कर रहे हो जरा मुझे बताओ। हाँ, चना को बीज को उपचार कर रहा है, चलो तुम देख लियो। सबसे पहले 1 प्लास्टिक की थैली भिजे दूंगा, एक ऊपर चना ने डाल दूंगा, आवश्यकता अनुसार पानी डालूंगा। अब एक में 3 ग्राम राइजो बीएम डालूंगा। अब एक अच्छी तरह से मिला लूंगा। यार भैया तुमने एकदम मोजा तो पेरिया नहीं? मुझे एकासी पेरिया दिया दवा छे नहीं, जेवी गई एकासी कहीं मतलब हानि नहीं होती। जो बीज अब उपचार होएगो एक भी टोपली में नाक ले आऊंगा। एक अभी आधा घंटा लग, छावा में सुखाड़ ले आंगे न वाई दे आंगे। यार भैया जो तुमने राइजो बीएम से चना को बीज को उपचार करियो, एकासी काई फायदो छे? एक चना को बीज अच्छो उंगज, यूरिया खाद कम लगज, 1 पैकेट 1 बोरी को काम करज, किसी प्रकार की अंकुर बीज पर बीमारी नहीं होती, पौधा आसानी से वायुमंडल से नाइट्रोजन का ग्रहण कर ले। अच्छा भैया तुम जो राइजो बीएम से चना को बीज को उपचार करियो, एका बारा में मतलब अन्य किसान भाई ने काई संदेश देना चाहोगे? सभी किसान भाई ने कहा यह संदेश देना चाहूँ थे, राइजो बीएम से बीज उपचार करी न चना बोवो खेत में, ताकि ओका से पौधों भी अच्छो रहेगा, खाद भी कम लगेगा और पौधा अच्छा स्वस्थ रहे, किसी प्रकार की पौधा और बीमारी नहीं होता। तब किसान भाई ने राम राम। अच्छा भैया आपने जो छे राइजो बीएम से चना का बीज का उपचार का संबंध में इतनी बढ़िया जानकारी दी, एक कल्याण भैया बहुत बहुत धन्यवाद।